28,000 रुपये की रिश्वत लेते भिवानी प्रदूषण बोर्ड का SDO रंगे हाथों गिरफ्तार। सतर्कता ब्यूरो ने भ्रष्टाचार को लेकर दी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए भिवानी जिले के राज्य पॉल्यूशन बोर्ड के उपमंडल अधिकारी को 28,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के अधिकारी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया, हिसार जिले के गांव मिर्जापुर के मुकेश ने शिकायत दर्ज करवाई कि SDO मोहित मुदगिल उनके खानक जिला भिवानी स्थित क्रेशर को संचालित करने के लिए सहमति देने की NOC देने के एवज में 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा है। इसके बाद विजिलेंस ने रेड कर आरोपी अधिकारी को 28,000 रुपये की नकद राशि स्वीकार करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। टीम ने आरोपी के पास से रिश्वत की रकम भी बरामद की, जिसके बाद पुलिस हिरासत में ले लिया गया। CM फ्लाइंग स्क्वाड और गुप्तचर विभाग भिवानी को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पोल्यूशन डिपार्टमेंट से कोई अधिकारी हैं, वो खानक के क्रेशर मालिक से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। उनका CTO एक कंसेंट टू ऑपरेट, एक लाइसेंस जिसको हम बोल देते हैं, उसके रिन्यूअल कराना था 2 साल का, तो उसकी एवज में उसने कुछ पैसे की डिमांड करी थी। तो 50,000 रुपये की उसने डिमांड करी, उनकी सेटलमेंट 30,000 रुपये में हो गई। 2,000 रुपये वो पहले ले चुका था और आज 28,000 रुपये रंगे हाथों वो लेते हुए उनको पकड़ा है। क्रेशर मालिक को जो है हर साल या 2 साल में जो है एक रिन्यूअल कराना होता है CTO का, कंसेंट ऑपरेट उसे बोलते हैं, जिसको हम लाइसेंस कह देते हैं। तो उसे चलाने के लिए क्रेशर को इसकी ज़रूरत होती है। इन्होंने अप्लाई किया था 26 मार्च को करीब, तो इतने दिनों से उनको जो है इन अधिकारी जो SDO थे यहाँ पे भिवानी के सुमित मुदगिल, उनके द्वारा टरकाया जा रहा था, उनका काम नहीं किया जा रहा था, पैसे की डिमांड कर रहे थे। तो आज उन्होंने ये पैसे दिए और जब विजिलेंस के साथ हमने एक ज्वाइंट रेड की मुख्यमंत्री अरुण दस्ता इकाई ने, तो आज उसको फिर हमने रंगे हाथों पकड़ा है, ये कार्रवाई हुई है। वो तो कोई भी टीम को हम बुला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो दूसरी जगह पे ज्यूरिडिक्शन कोई ऐसा नहीं है इनका, विजिलेंस का और मुख्यमंत्री उन दस्ता इकाई का नहीं होता है कि उसी एक ज़िले में या एक जगह पे काम करेंगे। तो दूसरी टीम को हमने कॉल कर लिया, जो भी टीम अवेलेबल होती है। कितने रुपए के? 28,000 रुपये जो है आज हमें उसके पास से बरामद हुए हैं, जो उन्होंने आज दिए थे। हाँ, उन पर जो विजिलेंस टीम अपना एक सेट प्रोसीजर होता है उसके तहत कार्रवाई करती है, और फिनोफ्थलीन पाउडर होता है वो उन पे लगाया जाता है पहले, और जब उनसे रिकवर हुए थे तो सर शिकायतकर्ता ने दी है, उसने कोई अपना बंदा? शिकायतकर्ता ने खुद दिए हैं, जिसकी आइडेंटिटी अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। ऑफिस में नहीं, ये बाहर दिए हैं, एक जहां जिस जगह पे उसने बुलाया था उसी जगह पे काबू किया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमने DC साहब से नियुक्त करा लिया था, DRO इसमें भिवानी ड्यूटी मजिस्ट्रेट रहे। तक संदेश जाता है कि कोई भी किसी भी प्रकार की जो है एवज में ऐसे कोई पैसों की डिमांड ना करे, कोई भी डिपार्टमेंट किसी से भी, किसी भी व्यक्ति से, और उनको कोई भी इस तरह से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उनका काम जो है इजीली होना चाहिए, बिना पैसे के होना चाहिए, कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। तो सख्त कार्रवाई होगी तो संदेश भी अच्छा ही जाएगा। सर सरकार ने जिस प्रकार से ऑनलाइन नहीं, इस तरह से हम खामी नहीं कह सकते हैं, सब प्रशासन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। जो कोई ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो उसके लिए कार्रवाई करने के लिए टीम्स हैं, जैसे मुख्यमंत्री उड़न दस्ता इकाई है, हर जगह पर हैं, वो अपनी कार्रवाई करती हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई करता है, तो इससे रोक तो लगेगी। ये हम करनाल टीम से हैं, करनाल स्पेशल टीम है हमारी, जो पूरे हरियाणा में ही देखते हैं। हमारे SP साहब श्री राजेश फोगाट जी हैं, उनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं। और हरियाणा में कहीं पे भी, मेरी आम जनता से भी अपील है कि हरियाणा में कहीं पे भी आपसे कोई भी अधिकारी या कर्मचारी काम करने के एवज में आपसे रिश्वत की डिमांड करता है, तो कृपया करके हमारे SP साहब श्री राजेश फोगाट जी को संपर्क करें, या हमें भी संपर्क कर सकते हैं। और ऑनलाइन और पोर्टल पे और हर जगह हमारे जो विजिलेंस ब्यूरो है उसके फ़ोन नंबर हैं। जनता जब तक हमें, हमारी हेल्प नहीं करेगी, हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरी जनता से अपील है कि कृपया करके इस भ्रष्टाचार को अगर ख़त्म करना है तो सामने आए, हम उनका जहाँ तक होगा नाम भी गुप्त रखेंगे, और हमें इन्फॉर्मेशन दे, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आज इस प्रकार से विजिलेंस टीम और मुख्यमंत्री उद्धव गुप्ता ने टीम बना करके एक SDO को बची और कुछ को पकड़ा है। एक्चुअली हमारे पास कंप्लेनेंट का मैसेज आया था हेडक्वार्टर से, हमारे उच्च अधिकारियों ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे भिवानी के अंदर कोई कंप्लेनेंट है, उससे जाके मिला जाए, और उनका कोई क्रेशर जोन में कोई NOC का मामला है, जिसके वजह में जो पॉल्यूशन विभाग के SDO हैं मिस्टर मोहित कुमार, वो रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं, और उनसे एक बार संपर्क किया है, जिसके जो हमारे हमने उससे संपर्क किया कंप्लेनेंट से, उससे मुलाकात की, उन्होंने कंप्लेंट दी, कंप्लेंट पे हमने आगे कार्रवाई की। जो तय समय अनुसार जो कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड मोहित SDO का जो टाइम अपना इनका रखा हुआ था लेन देन का, उस टाइम पे इन्होंने ये मिले, और
रिश्वत के तौर पे जो 28,000 रुपए थे, वो 28,000 जब कंप्लेनेंट ने उसको दिए एक्यूज को, तो हमने उसको रंगे हाथों पकड़ दिया। सर कितने कैसे नोट थे और क्या रंगे हाथों उनको नोटों के ऊपर दिया गया? हाँ हमने इस पे पाउडर आता है एक अपना, तो वो लगा के और कंप्लेनेंट को दिए, ड्यूटी मजिस्ट्रेट को लिया हमने, डीसी साहब से परमिशन ले गए, ड्यूटी मजिस्ट्रेट और शेडो विटनेस को भी हमने साथ में लिया है, और एक मतलब टीम वर्क करके इसमें हमारे सीआईडी यूनिट है उनकी भी काफ़ी हेल्प रही है हमारे लिए, और कंबाइंड ऑपरेशन था हमारा, तो एसडीओ को हमने काबू किया, रंगे हाथ काबू किया इनको। सर किसकी किस ये क्रशर जोन में जो हैं, जितने भी क्रशर के मालिक हैं इनको एक एनओसी लेनी पड़ती है, परमिशन लेते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, फिर वो उनके नॉर्म्स होते हैं कुछ पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के, तो वो उसकी एवज में पैसे की डिमांड कर रहे थे कि एनओसी तब मिलेगी जब वो पैसे उनको रिश्वत के दे देंगे। सर जिस प्रकार से ऑनलाइन, देखिए ऑनलाइन जो सरकार का प्रावधान है, लगभग हर डिपार्टमेंट के अंदर ऑनलाइन सिस्टम सरकार ने किया है और करने लग रहे हैं, बहुत अच्छा सिस्टम है, लोगों को धक्के नहीं खाने पड़ते, लोगों के जो सरकारी कार्यालय में जो इधर उधर चक्कर लगते थे वो कम हो गए, और बहुत हद तक ईमानदारी का भी एक मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी पहल हुई है हरियाणा के अंदर, तो फिर भी छोटी मोटी कमियाँ कहीं ना कहीं रह जाती हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का तो कोई फॉल्ट नहीं है, कमी खुद अधिकारियों के अंदर है जो इस तरह की एवज में पैसे लेते हैं, तो खुद रिस्पॉन्सिबल है, जैसा करेगा वो भरेगा। तो न्यायालय में कल कोर्ट में पेश करेंगे ना।